साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो पर्सनल कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में वो जो भी आगे करें उसमें उनको सफलता मिले। खट्टा मीठा तो चलता रहता है जिंदगी में। थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहे हैं और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, एकेडमिक्स में। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी, मैंने उनसे पूछा था कि कुछ खास वजह अभी इस्तीफे की, तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन भर गया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। पिछले 2 साल में और उससे पहले 49 डेज के दौरान उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा खट्टा मीठा कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। पर उस सब के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली पानी में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं जो उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए किए हैं, और अभी तक उन्होंने जितना भी सहयोग दिया मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग जब उपराज्यपाल काम कर रहे थे तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कहते हैं, और जब इस्तीफा दिया तो फिर कहते हैं कि क्यों इस्तीफा दिया, किस लिए दिया। जिन्होंने इस्तीफा दिया वो खुद बताएंगे, जब समय आएगा खुद ही बताएंगे, उनसे पूछ लीजिए। ये आम आदमी वाले और कांग्रेस वाले ना जाने उनको किस चीज का परेशानी है, कुछ करो तो भी फिर पूछते हैं क्यों, कुछ नहीं किया तो भी कहते हैं कि कुछ करो। ये पहली बार पिछले 4 अगर उपराज्यपालों का देखें तो इस प्रकार से एक अनसेरेमोनियस एग्जिट हुआ है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या डील केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपस में हुई है जिसकी वजह से इनको हटाने का दबाव इनके ऊपर डाला गया। साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी अपने किसी पिट्ठू को यहाँ पर लेकर के आना चाहती है, आरएसएस के कहने पे किसी को लेकर के आना चाहती है, और अगर ऐसा है तो हम केंद्र सरकार की उस कार्रवाई पे पूरा पुरजोर विरोध करेंगे।